गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज कक्षा छह की पाठ्य पुस्तक वसंत उसका पाठ नंबर 3 नादान दोस्त, जिसके राइटर है प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, आज हम नादान दोस्त वो जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ी पार्ट 1। छोटे बच्चे जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो कई बार नादानी करते हैं, यानी ना समझी की वजह से कई बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई बार आपको भी पता होगा कि पेरेंट्स कुछ बातों के लिए आपको मना करते हैं, लेकिन फिर भी आप वो काम जानबूझ कर करते हैं। तो ऐसी जगहों पर कई बार हमें नुकसान होता है, जैसे पेरेंट्स आपको कह रहे हैं छत के ऊपर मत चढ़ो, ठीक है, दादर पर धीरे से उतरो, लेकिन हम सुनते नहीं, दादर पे जंप लगाते हैं या छत के ऊपर चढ़ते हैं, किनारे पर जाने के लिए मना करते हैं, फिर भी किनारे पे जाते हैं, और इस तरह से हम जानबूझ कर गलतियां करते हैं, उसे नादानी के ना समझ, और इसकी वजह से कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। के? तो यहाँ पे जो राइटर है हमारे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी इस प्रकार की कहानियां भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, और आज हम उनकी कहानी जो है नादान दोस्त उसके बारे में सीखें, जिसमें एक परिवार की पूरी कहानी बताई गई है, जिसमें दो भाई बहन केशव और श्यामा दोनों के बारे में राइटर ने यहाँ पे लिखा है। केशव और श्यामा छोटे बच्चे भाई बहन हैं, और वो अपने ऊपर छत के पास कार्निस पर चिड़िया ने जो अंडे दिए थे उस अंडों को लेकर उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं और कई प्रश्न उपस्थित होते हैं, और उन प्रश्नों को खुद ही उसका उत्तर भी देते हैं, क्यों के उत्तर देने के लिए किसी के पास समय नहीं है, उसके पापा जो है ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, मम्मी जो है घर काम से उसे फुर्सत नहीं, तो इसकी वजह से ये भाई बहन जो है वो चिड़िया के अंडों को देखने के बाद उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है उसके बारे में जानने के लिए, और जानकारी प्राप्त करने के वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और इसकी वजह से चिड़िया को और उसके बच्चों को जो नुकसान होता है उसके बारे में राइटर ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 3 नादान दोस्त उसका भाग 1। पहले बच्चों को हम इसका रीडिंग भी करेंगे और इसे समझेंगे, ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वसंत उसका पार्ट 1 जो टॉपिक 3 नादान दोस्त, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपकी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और उसमें फर्स्ट पैराग्राफ देखते जाए, टॉपिक 3 नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए, ठीक, यहां से शुरू हुआ। केशव नाम का जो लड़का है उसका घर है कार्निस यानी छत का किनारा, वहां पर चिड़िया ने अंडे रखे हुए। केशव और उसकी बहन श्यामा, उसकी छोटी बहन है श्यामा स्थान में, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते, भाई बहन दोनों उत्सुकता से वो चिड़िया उड़ती हुई आती छत के ऊपर और वहां से जाती वापस लौटती फिर आती, इस तरह से जो चक्कर
और चिड़िया को और चिड़िया दोनों को बैठा पाते। अब जब भी वो उनकी आंख खुलती सुबह होती मॉर्निंग तो उठते ही आंखें बंदे हुए सीधे बाहर चले जाते और तारिश के पास तारिश के ऊपर देखते तो वहां पे चिड़िया और चिड़िया दोनों को वहां पे उड़ान भरते हुए दिखाई देते। तो ये देखकर दोनों खुश होते। ऐसा वो रोजाना करते यानी कि मॉर्निंग में उठते वो तारिश के ऊपर चिड़िया को देखने चले जाते। दोनों को आते जाते और वहां पर तारिश के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। पता नहीं आई करके कि उन दोनों को देखने में दोनों बच्चों को बहुत मजा आता। दूध और जले में की सूद भी न रहती थी। जो श्यामा और केशव की मम्मी जो है वो उनके लिए सुबह में दूध गर्म गर्म दूध और जलेबी का नाश्ता रखती थी। लेकिन वो भी खाने में उनको सूद के यानी वो याद नहीं रहता। सूद यानी याद नहीं सूद भी न रहती भूल जाती थी और वो नाश्ता भी छोड़कर वो चिड़िया को देखने के लिए भागते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल थे। अब चिड़िया और चिड़ा दोनों को देखने के बाद दोनों भाई बहन केशव और श्यामा दोनों के मन में तरह तरह के विचार आते रहते सवाल उठते रहते थे। अंडे किस प्रकार के सवाल आते थे। अंडे कितने बड़े होंगे ये सवाल उनके मन में होता था। ठीक है अंडे कितने बड़े होंगे किस रंग के होंगे उसका रंग कौन सा होगा कितने होंगे उसकी संख्या कितनी होगी क्या खाद्य अंडों के बारे में भी सोचते थे क्या खाद्य उनमें से बच्चे किस तरह निकल आए अंडों में से बच्चे कैसे निकले इस सवाल को बार बार परेशान करते रहते हैं। बच्चों के पैर कैसे निकले बच्चों के पर कैसे पर यानी पंख पर कैसे निकलेंगे घोंसला कैसा उसने जो चिड़िया ने घोंसला बनाया वो कैसा है क्योंकि कार्निश के ऊपर ये उन दोनों का आना जाना लगा रहता है तो कार्निश के ऊपर वो ठीक से देख नहीं पा रहे इसलिए सोचते हैं कि घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ये बच्चों के मन में जो सवाल उठते थे उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं क्यों तो राइटर कह रहे हैं कि उनका जवाब देने वाला कोई न था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी न बाबू जी को पढ़ने में थे। अम्मा जो है घर काम में बिजी रहते थे इसलिए बच्चों के मन में जो सवाल चल रहे थे उसका जवाब वो दे पा रही थी। और पिताजी यानी बाबू जी जो थे पढ़ने लिखने में और जॉब में मजबूत थे तो इसी वजह से वो बच्चे जो है उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। तो इसकी वजह से दोनों इस बात को लेकर परेशान थे। आखिर दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो दोनों बच्चे कंफ्यूज रहते थे लेकिन अपने ही मन से उसके उत्तर यानी जवाब ढूंढ निकालते थे और अपने मन को तसल्ली यानी सांत्वना देना आश्वासन देना तसल्ली दे दिया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे चिड़िया और चिड़ा दोनों के देखने के बाद उनके मन में कई तरह के सवाल उठे और उन सवालों का जवाब कोई देने वाला नहीं था। इसकी वजह से वो दोनों खुद ही जवाब ढूंढते रहे थे और इस प्रकार से दोनों चिड़िया और चिड़िया के बारे में सोचते रहे। आइए आगे क्या हुआ वो देखो। देखिए दोनों भाई बहन किस प्रकार के सवाल
भी पहले पर निकलेंगे बगैर परों के विचार कैसे होंगे। अब ये सब विद्वानों की तरह यानी जानकार एक्सपर्ट की तरह समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जो चिड़िया के बच्चे जो अंडों में से निकलेंगे उन बच्चों के पहले पर निकलेंगे और फिर वो पर यानी पंख निकलेंगे और फिर बाद में वे उड़ेंगे। श्यामा के बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? देखो श्यामा को एक प्रश्न हो रहा है, सवाल उठा रहे मन में, चिड़िया के जब बच्चे होंगे तो बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी? ये शौक इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा यानी कठिन सवाल, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। इस तरह तीन चार दिन गुजर गए। अब ऐसा करते करते करीब तीन या चार दिन हो चुके थे। भाई बहन रोजाना वहां तारीख के नीचे खड़े हो जाते और चिड़िया को देखते रहते थे और उसके बारे में सोचते रहते। ठीक है, दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। दोनों बच्चे जिज्ञासा जानने के लिए उत्सुक होना, तो इस तरह से जिज्ञासा बढ़ती जाती दोनों के बीच। अंडों को देखने के लिए वे गंभीर हो उठे। अब उनको यानी कि जो चिड़िया ने अंडे दिए हैं उनको देखना चाहते हैं, उसके लिए बेचैन हो चुके हैं और धीर हो चुके हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चे जो थे उनको अब क्या खिलाएंगे? खाना चारा है बच्चों के, जो खाने के लिए दाना पानी है वो, उसके बारे में वो सोचते हैं कि बच्चों को क्या खिलाएंगे। चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो इस तरह से चिड़िया ने जो अंडे तारीख पे रखे हुए थे उनको देखकर भाई बहन को इस प्रकार के सवाल होने लगे। सबसे पहले श्यामा को बहुत सारे सवाल हुए और केशव ने भी एक विद्वान की तरह जो भी उसके मन में आए उस सवाल को उत्तर देने की कोशिश की। लेकिन अब दाना पानी उनको क्या खिलाएंगे इसका उत्तर उनके पास नहीं था और उसके बारे में वो सोच रहे। तो इस तरह से भाई बहन दोनों चिड़िया को देखते और उनके बारे में तरह तरह के सवाल उनके मन में उठते। अब आइए आगे देखने क्या हुआ। नेक्स्ट पेज, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चुप चुप करके मर जाएंगे। देखिए ठीक है, ये सवाल उनके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके इतने सारे बच्चों का पेट चिड़िया कैसे भरेगी और इसकी वजह से भूख के मारे ये बच्चे मर जाएंगे। ऐसा सवाल उनके मन में उठा। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। उन्होंने सोचा कि सही है, चिड़िया के इतने सब बच्चे होंगे तो उन बच्चों को इतना सारा दाना कहां से लाके दिया और अगर नहीं मिला दाना पानी तो बच्चों की जान जाएगी और बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। भाई बहन दोनों डरने लगे, घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब उनको आइडिया आने लगा तो उन्होंने भाई बहन ने यह डिसाइड किया कि थोड़ा सा दाना कार्निश के ऊपर रख दिया जाए ताकि चिड़िया वहां से अपने बच्चों को खिला सके। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को
पड़ेगी। केशव ने कहा नहीं, तब क्यों जाएगी? और केशव ने भी उसका सपोर्ट करते हुए कहा कि नहीं, या क्यों जाएगी? अगर हम दाना कालीज पर रख देंगे तो जरूर उसे वहीं पे आना मिल जाएगा, तो उसे नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्यामा, क्यों भैया? बच्चों को धूप न लगती हो? श्यामा ने एक प्रश्न उठाया, सवाल किया अपने भाई केशव से कि भैया बच्चे होने के बाद कार्निश के ऊपर बच्चों को दोपहर में धूप नहीं लगेगी? ये प्रश्न उसके मन में आया। अब केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, केशव को मालूम नहीं था कि तकलीफ के बारे में उसने सोचा ही नहीं था कि ऊपर कार्निश पर बच्चों के आने के बाद उनको धूप भी लगेगी। तो इस तकलीफ की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था, बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। उसने उत्तर दिया सवाल कि बच्चों को जरूर गर्मी लग रही होगी, भूख लग रही होगी, और धूप की वजह से उनको प्यास लग रही होगी, और प्यास के मारे वो तड़पते होंगे, पानी पीने के लिए वो तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, देखिए ऊपर कार्निश के ऊपर कोई छाया नहीं था, सीधी धूप पड़ रही थी, तो इसकी वजह से इसके बारे में भाई बहन दोनों सोच रहे थे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। भाई बहन दोनों ने ये डिसाइड किया, ये जो घोंसला चिड़िया का है छत के ऊपर कार्निश पर, वहां पर बच्चों के लिए भी एक छत बना देनी चाहिए जिससे वो गर्मी धूप से बच सके। तो ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। ठीक है, पानी और थोड़े से चावल ये सब रखने का भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चिड़िया को दाने ढूंढने के लिए कहीं जाना न पड़े, इसके लिए उन दोनों ने ये तय किया कि कालीज के ऊपर पानी एक प्याली भरकर और चावल वगैरह दाने जो है वो वहां पे रख दिए जाए ताकि चिड़िया को इसे खाने में आसानी रहे और अनाज ढूंढने न पड़े, उसे ढूंढने की कोई जरूरत न रहे। इस प्रकार से दोनों भाई बहनों ने ये डिसाइड किया। आइए आगे क्या हुआ, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, चाव से बड़े प्यास, चाव से काम करने लगे अपनी मर्जी से, इच्छा से। श्यामा मां की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा ने जो चावल निकाले मटके से वो अपनी मां न देखे, अम्मा को पता न चले, इस तरह से वो घर में जो खाने के लिए चावल थे उसमें से ये चावल निकाल कर ले आए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव ने भी अपने आइडिया से जो तेल की प्याली थी जिसमें अम्मा तेल रखी थी वो तेल जो था वो जमीन पर गिरा दिया और प्याली को अच्छे से साफ कर डाली और उसके अंदर चिड़िया के बच्चों के पीने के लिए पानी भरा। तो पानी भरा, अब चांदी के लिए कपड़ा कहां से आए? चांदी छत, ठीक है, अब बच्चों को धूप से बचाना है और उनको बचाने के लिए कपड़े की छत बनानी है, लेकिन वो कपड़ा लाए कहां से, ये एक प्रश्न था उनके सामने। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा फैलेगा कैसे और
ये काम बहुत मुश्किल था, कठिन था। ठीक है, अब क्या करें दोनों? तो उसके बारे में भाई बहन दोनों सोच रहे थे। केशव बड़ी देर का इसी उधेड़बुन में रहा, उधेड़बुन के सोचना, सोच में पड़ जाना, उधेड़बुन कभी नहीं। तो केशव उसके बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी, इसका भी उसने सॉल्यूशन निकाल दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। घर के अंदर अम्मा जो कूड़ा कचरा साफ सफाई करती थी, तो कूड़ा कचरा फेंकने के लिए ठीक है एक जो टोकरी थी वो उसको याद आया और उसने श्यामा से कहा कि वो टोकरी उठा लाओ, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत लिखाना, एक ऐसा छात्र हो उसे भी कह रहा है कि अम्मा जी ना देखे। इस तरह से ये कूड़ा कचरा उठाने वाली जो टोकरी है उसे ले आओ, ऐसा उसने श्यामा से कहा। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप नजर आई है। श्यामा ने उस टोकरी को अच्छी तरह से देखी थी, इसलिए वो कह रही है कि वो टोकरी जो भैया बता रहे हैं कूड़ा करने वाली, तो वो तो बीच में से फटी हुई है और फटी होने की वजह से उसमें हॉल पड़ा हुआ है, तो उसमें से धूप बच्चों को जरूर लगेगी, ये उसने कहा। ठीक है, केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। देखिए केशव कहता है कि सबसे पहले तू टोकरी तो उठा के लिया मेरे पास और उसका सुराग, सुराग यानी छेद, ठीक है वॉल, उसे मैं किसी तरह बंद करने की हिकमत कोई आइडिया ढूंढ निकालूंगा। ऐसा करके केशव अपनी बहन श्यामा से वाइफ फोर्स कर रहा है, उस पर दबाव बन रहा है कि किसी तरह से वो मां से बचा कर टोकरी और दाना ये सब घर में से रूम में से ले आए। तो इसके लिए भाई बहन दोनों ये काम कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और जिस जिस प्रकार से उनके मन में आइडिया आते हैं उसी प्रकार से चिड़िया के बच्चों के लिए उनको बचाने के इंतजाम में ये सारी चीजें जमा कर। आइए अब देखते हैं आगे क्या होगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाया, केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज भूस दिया और तब टोकरी को एक तस्वीर से पिटाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ करूंगा कैसे डूब जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से उसने अपने मन के अंदर जो आइडिया है उस आइडिया के मुताबिक वो टोकरी मंगा कर टोकरी के अंदर जो हॉल था उस हॉल में उसने कागज को ठोंस दिया और कागज को ठोंस कर फिर उसने इस तरह से उसका हॉल बंद कर दिया। अच्छी आइडिया थी जिससे अब उस टोकरी के अंदर से और में से धूप उन बच्चों पर नहीं जा सकती और इस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है। तो उसने टोकरी को एक टहनी से टिकाया, टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा कैसे डूब जाएगी। अब डूब के वहां पर पहुंचने का कोई यानी कि रास्ता नहीं बचा। श्यामा ने दिल में सोचा यह नहीं चाह रहा था, उसका जो भैया है बहुत ही चालाक है यानी कि होशियार है और होशियार होने के साथ साथ उसके अंदर एक समझदारी भी है। ऐसा अपने भैया के बारे में यानी कि उसकी इज्जत और बढ़ गई मन की। तो इस तरह से श्यामा और केशव दोनों भाई में मिलकर यहाँ पर चिड़िया को और उसके बच्चों को बचाने की कोशिश। देखिए दोनों भाई ने शुरुआत
जब से उन्होंने चिड़िया के अंडों को देखा, चिड़िया को वहां आते जाते ही दिखाई दे, ठीक है, तो वहां पे उसको चक्कर लगाते देखा, वहां से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि चिड़िया के जो अंडे होंगे उसमें से बच्चे होंगे, उन बच्चों को बचाने के उन्होंने सब तरकीब सोच निकाली कि बच्चों को क्या खाना खिलाएंगे, चिड़िया कहाँ तक उन बच्चों के लिए दाना देने पर उड़ती फिरेगी और इतना सब दाना कहाँ से आएगा, ये सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे और उनका सॉल्यूशन भी खुद करने लगे। दोनों भाई बहन मिलकर घर में से जो चावल पड़े हुए थे खाने के लिए उसमें से चावल अम्मा की नजर को बचाकर उठा लाए और चावल के साथ साथ जो प्याली थी जिसमें अम्मा तेल भरते थे वो प्याली को पानी पिलाने के लिए बच्चों को पानी प्यास लगे तो उनको पानी पिलाने के लिए भी ये प्याली उठा लाए। इसके साथ साथ उन्होंने फिर आखिर में जो घर में कूड़ा साफ करने की कूड़ा भरने की जो टोकरी थी वो टोकरी को भी यूज कर लिया। अब इस तरह से चिड़िया के बच्चों को बचाने का उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया और ये आइडिया उनका अच्छा भी था कि भाई किसी तरह से चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाया जाए, उनको उसी जगह पर उनके घोंसले में ही उनको पानी पिला दिया जाए, उनको दाने खिला दिया जाए। ये दोनों भाई बहन ने चिड़िया के बच्चों के बारे में इतना सा सोच लिया और इतना ही नहीं उनका इंतजाम भी दोनों भाई बहनों ने कर दिया। तो फिर आइए यहाँ पे नादानी क्यों कह रहे हैं के? तो गलती इतना सब काम कर भाई बहन दोनों से एक छोटी सी जो गलती हो जाती है और जिसकी वजह से ये सारा जो काम करते हो जो इंतजाम करते हैं चिड़िया के बच्चों को बचाने के लिए, ठीक है, उनको धूप से बचाने के लिए दाना खिलाने के लिए पानी पिलाने के लिए ये सारी बातें, लेकिन किसी बड़ों से सलाह न लेना और बड़ों से पूछना या कोई प्रश्न उनसे पूछकर उनका जवाब न लेना इसकी वजह से उनकी नादानी हो जाती है और इसकी वजह से चिड़िया और उसके बच्चों को बहुत भारी नुकसान होता है। तो प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो के अंदर यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, इसका पार्ट टू बाद में जब आएगा उसमें आगे की बात हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you.